الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين काबिल एहतराम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व ताला अपने फ़ज़्ल व करम से कुछ ऐसी बातें कहलवा दे जो मेरे और आप सबके हक में फ़ायदामंद साबित हों और कही सुनी बातों पर अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दो रोज से उलमा तशरीफ ला रहे हैं और अभी पीर तक इंशाअल्लाह उलमा यहाँ पर आएंगे, आपको इल्मी बातें बता रहे हैं। अल्लाह सब के इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए, इन उलमा की ज़िंदगियों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, इनके उलूम से हमें फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह ताला इन उलमा को अपनी शान से बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। और जितनी बातें हम सुन रहे हैं अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। नेमतें तो इतनी हैं अल्लाह ताला की कि हम लोग गिनना चाहें, शुमार करना चाहें तो कभी गिन भी नहीं सकते। अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत जो है वो ईमान और इस्लाम की है। हम दावत और तबलीग के जब साथी आते हैं तो वो एक बात कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। हम सोचते हैं कि बस ये तो बोलना चालू करते हैं तो ये बोल देते हैं, रस्मी अल्फाज है। नहीं, बहुत कीमती अल्फाज है कि अल्लाह का शुक्र है, यानी इस नेमत इस्लाम पर जो अल्लाह ने हमको दी है। हम लोग वही है कि जो मुसलमानों के घर में पैदा हुए, इस्लाम हमें पैदाइशी मिला है। हमने आंखें खोली एक मुसलमान के घर में, एक इस्लामी माहौल में, और अल्लाह ने हमारे दीन और ईमान की हिफाजत करते हुए जब हमें जवान किया तो हमें मुसलमान ही बना के रखा। दुआ ये करनी है कि अल्लाह मौत तक इस्लाम पर बाकी रखे। मौत भी आए तो ईमान पर आए, इस्लाम पर आए तो फिर बेड़ा पार। इसलिए जब जब भी याद आ जाए कि मैं मुसलमान हूं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मुसलमान बनाया। कुरान करीम भी सिखाता है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें हिदायत अता फरमाई, लिहाजा इस दीन के लिए। वमा कुन्ना लिनहतदिया, अगर वो अल्लाह हमें हिदायत न देते, वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, हम हिदायत पर ना आते, हम हिदायत पर जमते नहीं अगर अल्लाह हमें हिदायत न दे दे। लकद जात रसूल रब्बिना बिलहक, हमारे रसूल, हमारे पैगंबर, हमारे नबी जो कुछ लेकर आए हैं अल्लाह के पास से वो हक और सच है, हमारा ईमान है इस पर। तो हम जब भी याद आ जाए दीन में, जितनी मर्तबा याद आ जाए कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा है, उस वक्त शुक्रिया भी अदा कर ले, अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र का फायदा होता है ना, लेन शकर तुम लअजीदन्नकुम, अगर तुम नेमत का शुक्रिया अदा करोगे तो मैं और ज्यादा दूंगा। अल्लाह ताला कहते हैं वल्लदीना हतदौ ज़ादहुम हुदौ व आताहुम तक्वाहुम, हम लोगों की हिदायत में ज्यादती करते हैं, अल्लाह हिदायत में ज्यादती कर देंगे, दीन वाली जिंदगी गुजरेगी। इन उलमा के आने का मकसद ये है कि हमें ईमान बताएं, हमें इस्लाम बताएं, हमें सही दीन बताएं, सही रास्ता बताएं। मैंने जो चंद कुरान करीम की आयतें पढ़ी आपके सामने अभी तिलावत की है, उसमें इस्लाम के मुताल्लिक कुरान क्या कहता है वो आयतें हैं। पहली आयत पढ़ी थी इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दुनिया में बहुत से मजहब है, अल्लाह ताला को सबसे, अल्लाह ताला की यहां पसंदीदा मजहब कौन सा है, पसंदीदा दीन कौन सा है,
تو فرمایا کہ تحقیق کے اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اور پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اسلام کب آیا دنیا میں؟ اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کو نبوت ملی, وہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی. نہیں, جس دن دنیا بنی, پہلا انسان دنیا میں آیا, وہی پہلا پیغمبر بھی ہے, وہی پہلا نبی اور پہلا رسول وہی ہے. ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام, یہ پہلے نبی. یاد رکھیے کہ جب جب بھی کوئی نبی آتا ہے, وہ جو دین اور مذہب لے کر آتا ہے اسی کو اسلام کہتے ہیں, اور اس کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے, یہ قرآن کہتا ہے. جتنے نبی آئے, جو باتیں لے کر آئے, اس زمانے کے اعتبار سے وہ بالکل صحیح اور حق تھی. خود قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اس چیز کا ذکر کیا گیا. تو کوئی یہ نہیں کہے کہ اسلام تو 14 صدیوں پہلے آیا, اس سے پہلے تو یہ دھرم تھا وہ دھرم تھا. نہیں, دھرم دھرم اسلام ہی تھا پہلے دن سے. اسلام سب سے پرانا مذہب اس عالم میں, اس کائنات میں, اس دنیا میں اسلام ہی ہے. ہاں, اب یہ کہا جائے گا کہ اب مسلمان اسی کو کہیں گے جو جناب ربیع کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پورا پورا ایمان لائے, پوری پوری آپ کی باتیں مانے, پورا پورا آپ کا اتباع کرے, اسی کو مسلمان کہا جائے گا. یہ نہیں کہ اس دنیا میں کوئی یہ کہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں, ان کی شریعت پر چلوں گا, لہذا میں بھی مسلمان. نہیں, موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا میرے بعد ایک نبی آئیں گے, نبی آخر الزمان, ان کی باتوں اور ان تعلیم پر تمہیں عمل کرنا. کوئی یہ کہے کہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانوں گا اور میں مسلمان. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا مکمل شمار ہی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, وہ لوگوں میں خوشخبری دیتا میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا. ہمارے آقا کا نام محمد بھی ہے, احمد بھی ہے, یعنی تعریف کرنے والا بھی ہے اور تعریف جس کی گئی ہے محمد بھی ہے, احمد بھی ہے. اب اس وقت مسلمان اسی کو کہا جائے گا جو سب نبیوں پر ایمان ضرور رکھے, لیکن بات جو مانیں گے, شریعت پر جس کی چلیں گے, وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, آپ کی شریعت کو چھوڑ کر دوسرے کسی نبی کے طریقے پر چلے گا, اب قبول نہیں کیا جائے گا اسے. اس کی مثال ایسی ہے, دیکھو ایک مثال سے سمجھیے. ایک آدمی ہوتا ہے, شروع میں اس کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے, ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے تو پہلے دن دھن سے دوا نہیں لکھتا. جب ڈاکٹر کو شک جاتا ہے کہ کوئی بیماری ہے, بڑی بیماری ہے, تو 25 طریقے کے تو رپورٹ نکلواتے ہیں ڈاکٹر لوگ, یہ رپورٹ وہ رپورٹ, ایم آر آئی ہے, ایکس رے ہے, خون پیشاب بلغم پخانہ پتہ نہیں کیا 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 چیک کروا کے 1000 روپیہ تو اس میں چلا جاتا ہے. پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہاں جس چیز کا اندیشہ آتا وہی آیا ہے, چلو ہم دوا شروع کرتے ہیں. آپ کو دوا لکھ کر ایسا نہیں کہہ دیں گے کہ جاؤ زندگی بھر یہی دوا کھاتے رہنا, ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, ڈاکٹر صاحب 15 دن کے بعد بلاتے ہیں, پھر ٹیسٹ کراتے ہیں کتنا فائدہ ہے, پھر مہینے کے بعد بلاتے ہیں 2-3 مرتبہ, مہینے کے بعد پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے فائدہ ہو رہا, 3 مہینے کے بعد آئیے.
फिर छह महीने के बाद, साल के बाद, फिर डॉक्टर साहब देखते हैं कि दवा बराबर हो गई है, तो कहते हैं अब आप टेंशन न ले, आप कंट्रोल में आ गए हैं, अब आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, जब तक आप रहे दुनिया में तब तक ये दवा खाते रहे, कुछ ऊपर नीचे हो जाए तब आना, वरना आने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा प्रेशर के मरीज, डायबिटीज के मरीज, वो शुरू शुरू में खूब पाबंदी से दवा करते हैं, फिर तो ऐसा लगता है कि ये खुद ही डॉक्टर बन गए। हाँ, प्रेशर का मरीज जेब में दवा लेके घूमता है, जहाँ हुआ सुबह में वक्त हुआ टपका लेता है। डायबिटीज का मरीज भी, भाई डॉक्टर साहब को बताया, कहता याद नहीं है कब बताया था, 5-6 साल पहले कहा था, और डॉक्टर साहब ने भी कहा कंट्रोल में, जरूरत हो तो आना वरना आने की जरूरत नहीं है। एक फाइनल नुस्खा लिख कर दे देता है डॉक्टर, कोई चलाते रहते जिंदगी में। ऐसा ही अल्लाह ताला ने जब दुनिया पैदा की, इंसान आना शुरू हुए, तो अब ये इंसान धीरे धीरे भी तो दुनिया बढ़ रही है ना, अल्लाह ने उसी एतबार से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शरीयत लेकर भेजा, फिर जरा मजबूत हुए तो फिर दूसरे पैगंबर आए, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, या के बाद दीगरे 124,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। जैसी जैसी कौम बढ़ती गई, जैसी जैसी तबीयत के लोग थे, अल्लाह वैसे वैसे नबियों को भेजते रहे। सबसे अखीर में खातमुन नबीयीन हमारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और फाइनल नुस्खा लेकर भेजा। कैसा नुस्खा लेकर भेजा? फाइनल, बस अब किसी नुस्खे की जरूरत नहीं है, कयामत तक अब ये नुस्खा चलेगा, कयामत तक इस रसूल और इस नबी की तालीम चलेगी। मेरे आका ने आकर इस्लाम को मुकम्मल किया, फाइनलाइज किया, ये नहीं कि आका आए वहाँ से इस्लाम की इब्तिदा हुई। इसलिए दुनिया के लोग हमें ताना देते हैं, कौन कहता है कि इस्लाम अभी 1400 साल पहले का मजहब है, था तो पहले दिन से। हाँ, तालीम में उलट फेर होता रहा लोगों की तबीयत के एतबार से, 1400 साल पहले उसको फाइनल किया, मुकम्मल किया। ए लोगों, अब नई किताब का इंतजार मत करना, अब नवे इलाज की तरफ मत दौड़ना, अब इलाज होगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की किताब से। अब तालीम चलेगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम से। तो मेरे आका ने आकर इसको मुकम्मल किया, फाइनल किया। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन लिउतिम्मा मकारिमल अखलाक। ए लोगों, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम, मुअल्लिम कामिल, उस्ताद कामिल बनाकर भेजा है। मेरी तालीम कयामत तक चलेगी। इसीलिए तो फरमा कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐलान करके सुना दो ए नबी कि ए लोगो, मैं तुम तमाम की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया। हाँ, अल्लाह ने हमारे नबी को जितनी उम्र दी थी उतनी उम्र पूरी करके वो दुनिया से तशरीफ ले गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपकी तालीम ख़त्म हो गई, तालीम तो बाकी रखी। उसके लिए अल्लाह ने इस उम्मत के अंदर इल्म का सिलसिला जारी फरमाया। उसके हासिल करने वाले जिनको हम उलमा कहते हैं, ये रहेंगे कयामत, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अल्लाह ताला चारों तरफ ऐसे उलमा पैदा करते रहेंगे, ऐसे लोग पैदा करते रहेंगे कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम को लेकर चलते रहे। तो इस्लाम पहले दिन से चला है और आखिरी दिन तक रहेगा। जिन लोगों के भेजे और दिमाग में ये है कि हम इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, ये बिचारों का एक सड़ा हुआ ख्वाब है, पागल किस्म के लोग हैं। अल्लाह, ये तो जिस दिन मुसलमान ख़त्म हो जाएगा दुनिया से, क्या दुनिया बाकी रहेगी? फिर दुनिया ही तो ख़त्म हो जाएगी।
हदीस शरीफ में आता है कि जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई ज़मीन पर होगा तब तक अल्लाह कयामत नहीं लाएंगे। कयामत कब आएगी? जब कोई भी अल्लाह कहने वाला नहीं होगा उसके बाद कयामत तो आएगी। अगर तुम ये सोचते हो कि इस्लाम या मुसलमानों को मिटा दें तो फिर क्यों दुनिया कहाँ बाकी रहेगी? दुनिया भी तो ख़त्म हो जाएगी। सारी दुनिया का बका मुसलमानों की बका में छुपा हुआ है कि मुसलमान बाकी तो सारी दुनिया बाकी रहेगी, नहीं तो अल्लाह ताला फिर कयामत ले आएंगे। आसमान ज़मीन टूट टूट कर सब ख़त्म हो जाएंगे, चांद सूरज सितारे सब गिर जाएंगे, बेनूर हो जाएंगे। ये तो सुबह कयामत तक रहेगा ये मज़हब इस्लाम तो। जो उलमा है, हमने हदीस शरीफ में ये पढ़ा कि उलमा जो है उनके लिए तो चींटियाँ भी दुआ करती है, चींटियाँ ने कीड़ी, मछली भी दुआ करती है, बड़ी फजीलत की बात है। लेकिन क्यों दुआ करती है? हमारे उस्ताद हज़रत महाबरार अहमद साहब दुल्यवी नंबर अल्लाह मरकदो वो अजीब बात फरमाते थे कि ये दोनों अपनी मतलब में दुआ करते हैं कि आलिम जब मदरसा में बैठेगा बयान में बैठेगा तो अल्लाह 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 करेगा, और जब तक अल्लाह अल्लाह होता रहेगा दुनिया में कयामत नहीं आएगी। तो ये लोग अपने बाकी रहने के लिए आलिमों के लिए दुआ कर रहे हैं। बहुत अजीब बात है कि दुनिया में सबसे छोटी मखलूक जो है वो चींटी है, और सबसे बड़ा जानवर और बड़ी मखलूक अगर कोई है तो वो मछली। हमने तो इतनी इतनी देखी है, लेकिन जरा दरिया का सफ़र करके देखें तो कितने कितने मनों की होती है। अभी दरमियान में किसी अखबार में कोई तस्वीर आई थी वो यूट्यूब वगैरह के ऊपर कि इतनी बड़ी मछली किनारे पर आकर आ गई कि लोग कितने हफ्ते तक उसका गोश्त खाते रहे, उस पर चढ़कर उसको काटते थे। ये अंबर वगैरह जो मछलियाँ आती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती है, हजारों मन और हजारों टन की होती है। जरा अगर आप दरिया का सफ़र करें अंदर घुस कर देंगे तो पता चलेगा कि मछली कितनी बड़ी बड़ी और कैसी बड़ी बड़ी है। एक मरतबा हमारा सफ़र हुआ था बारबाडोस का वेस्ट इंडीज, तो वहाँ सबमरीन में बैठकर अंदर दरिया की तह में बिठाते सफ़र करवाते एक घंटा। वो पूरे कांच और ग्लास की होती है वो सबमरीन, मोटी सी, उसमें बिठा देते हैं और फिर अंदर दरिया के अंदर ले जाते हैं, चारों तरफ घुमाते हैं, तब पता चला कि अंदर अल्लाह की कितनी बड़ी मखलूक रहती है। ऐसी मछलियाँ रंग बिरंगी, कौन सी फुर्सत के वक्त में इनमें कलर पूरा था, कैसी मछली बड़ी छोटी, वो इंसानों को देखकर अटैक करने वाली, हमला करने वाली, बड़ी जबरदस्त। पता चला कि वाकई तो सबसे बड़ी मखलूक मछली और सबसे छोटी मखलूक जो चींटी, गोया आलिम एक ऐसी कौम है कि इसके लिए छोटी सी छोटी मखलूक भी दुआ करती है और बड़ी से बड़ी मखलूक भी दुआ करती है। चींटी खाना हराम, मछली खाना हलाल। पता ये चला कि आलिम एक ऐसी कौम है कि इसके लिए हराम भी दुआ करते हैं और हलाल भी दुआ करते हैं। ज्यूटी जमीन पर रहती है, मछली दरिया में रहती है। पता ये चला आलिम एक ऐसी कौम है कि इसके लिए जमीन की मखलूक भी दुआ करती है और इसके लिए पानी की मखलूक भी दुआ करती है, और फरिश्ते इसके लिए पर बिछाते हैं, फरिश्ते इसके लिए दुआएं करते हैं। पता चला कि इन उलमा के लिए पूरी दुनिया दुआ में लगी हुई है। सब जानते हैं कि ये बाकी रहेंगे तो कायनात बाकी रहेगी, और यही कयामत तक, यही कयामत तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम के सिलसिले को आगे चलाए। इसीलिए फरमा दिया उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के मानिंद है, यानी जो पहले के नबियों में बरकत रखी थी
अल्लाह ताला ने वो बरकतें इस उम्मत के उलमा में रखी है। ऐसी फहमो फिरासत अल्लाह ताला ने इस उम्मत के उलमा को दी है। खैर बात याद आ गई उलमा पर से, मैंने खुद हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह और कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह को ये कहते हुए सुना कि लोगों उलमा की गीबत मत करो, उलमा के पीछे मत पड़ो, उलमा के ऐब मत निकालो, उलमा को मत सताओ, वरना खतरा है कि अल्लाह तुम्हारे ईमान को सल्ब कर लेगा, ईमान से तुम्हें महरूम कर देगा। आलिम कुरान पढ़ा है, हदीस पढ़ा है, कुरान सीखा है, हदीस सीखी है उसने, है उसके सीने में इल्म, हमें उसकी जात का जो अदब करना पड़ता है उसकी कमाल की वजह से कि उसने कुरान को सीने में उतारा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को सीने में उतारा है, इसलिए हम उनका अदब करेंगे। अजी देखो एक मिसाल से समझो कि हमारे और आपके सामने कुरान की बात तो बहुत दूर नहीं है, पारे हम भी दूर रख दीजिए, अलिब्बा का कायदा वो भी ज़रा दूर कर दीजिए, अलिब्बा की तख्ती लेकर आओ, अलिब्बा की तख्ती जो बच्चा पहले दिन जाके पढ़ता है अलीफ बा ता सा, अगर नीचे गिर जाए तो आप क्या करते हैं? लेके सर पे रखेंगे जी, चुमेंगे, अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक हो गई लिखने के अंदर छपने में, तख्ती के अंदर जो जुमले लिखे हैं, लफ्ज लिखे हैं, अलिब्बा के कायदे के अंदर जो जुमले लिखे हैं, उसके लिखने में अगर छपने में कोई हरूफ गड़बड़ हो गई तो ऐसे कायदे को, ऐसे अलिब्बा की तख्ती को क्या कचरा पेटी में आप डालने के लिए तैयार है? नहीं। जितना अदब सही सालिम कुरान का, सही सालिम पारे हम, सही सालिम अलिब्बा का कायदा, उसको जैसे चुमेंगे, वजू के साथ पकड़ेंगे, उसका जितना अदब करेंगे उतना ही अदब उस फटे हुए पारे अम, उस फटे हुए अलिब्बा के कायदे, उस लिखाई में मिस्टिक वाले कायदे का भी हम मुसलमान उतना ही अदब करेंगे। कचरा पेटी में नहीं डालेंगे उसको, नीचे नहीं फेंकेंगे, यार छोड़ो इसको, इसमें तो बहुत सी भूले हैं, कभी नहीं कर सकता एक मुसलमान, कभी भी नहीं। तो वो आलिम जिससे गलती हो रही है ये समझ लो कि इसमें भी जरा सी गड़बड़ हो गई है, फट गया है, इसकी लिखाई में जरा गड़बड़ आ गई है, तो जितने एक अच्छे आलिम का अदब करेंगे उतना ही अदब उसका भी करो, अगरचे फट गया है, अगरचे कुछ सड़ गया है, अगरचे कुछ खराब हो गया है तो वही कुरान है, तो वही हदीस उसके सीने में। हमारा मजहब इजाजत नहीं देता कि हम आलिम को रुसवा करें। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हों और भूल अगर हो जाए नमाज में तो हमें क्या कहने का हुक्म है? बैठने की जगह पर खड़े हो गए, खड़े होने की जगह पर बैठ गए, हम बोलते हैं अल्लाहु अकबर, ये गलत है, सुभान अल्लाह बोलना है। क्या बोलना है? सुभान अल्लाह, लेकिन चल पड़ा एक अल्लाहु अकबर, असल जो जुमला है वो सुभान अल्लाह का है। सुभान अल्लाह का तर्जमा अल्लाह पाक है, यानी वो इमाम साहब अल्लाह गलती और ऐब से पाक है, तुम पाक नहीं है, तुमसे गलती हुई है, बस ये है सुभान अल्लाह का मतलब कि अल्लाह पाक है, तुम गलती से पाक नहीं है, तुम्हारी गलती हुई है। ये कहने की आपको और मुझे इजाज़त नहीं है कि इमाम साहब बैठ जाओ, कैदे में बैठो, खड़े होना था, ये कहने की इजाजत नहीं है। सुभान अल्लाह या अब अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह बड़े हैं, आप बड़े नहीं, आप छोटे हैं, आपसे भूल भी है, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। तो इतना अदब सिखाया एक इमाम का कि गलती हो जाए तो सुभान अल्लाह के जरिए से उनको मुतनब्बे कर दो
अब ये है कि पढ़ने पढ़ाने में कोई गलती हो गई तो चार रास्ते में उसको कैसे जलील करते हो, कैसे व्हाट्सएप पर चलाते हो, कैसे मीडिया पर चलाते हो, जहां बैठते हो वहां यही बातें करते हो, यही एक तुमको चीज मिल गई। यही अगर है तो कयामत तक हमारे नबी की तालीम का सिलसिला इन्हीं के जरिए से चलेगा। खैर बात दूसरी तरफ निकल गई मेरी, ये तो दरमियान में आने वाली बात थी जो आ गई। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, इस्लाम की दौलत से नवाजा है अल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कुरान इस इस्लाम के मुताल्लिक फरमाते हैं, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। कितनी प्यारी आयत, क्या कह रहे हैं? हज्जतुल वदा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज फरमाया मैदान अराफात में, जबल रहमत के करीब है आप कि यह आयत नाजिल हुई। ये कितनी बड़ी आयत है पता है आपको? चंद यहूदी उलमा हजरत उमर के पास आए और कहा, उमर तुम्हारे कुरान में एक आयत ऐसी है, अगर वो हमारे मजहब में होती, हमारी किताब में होती, तो उसके नाजिल होने और उतरने के दिन हम त्यौहार मनाते, उसको त्यौहार मना ले। हजरत उमर ने कहा, कौन सी आयत? का यही, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। हजरत उमर ने कहा, रहने दो जी, मैं खूब जानता हूं कि ये कब नाजिल हुई, तुम्हारे और मेरे कहने से कोई त्यौहार मुकर्रर नहीं हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो ईदों के दिन इसको नाजिल किया। जिस दिन यह आयत नाजिल हुई, दो ईद, एक तो अरफे का दिन नौजिल हिज्जा, बड़ा बाबरकत दिन, हाजियों की हज मुकम्मल होती है, दूसरे वतनों में लोग रोजे रखते हैं कुर्बानी की तैयारियों में। अल्लाह ताला ने इसके रात और दिन की कसम खाई है, तो बड़ा बाबरकत दिन ये दिन था, और सोने पर सुहागा जुमा का दिन भी था जो ईद से भी अफजल होता है। हजरत उमर ने इशारा भी कर दिया कि इंसानों के बनाने से त्यौहार नहीं बनते, इस्लाम आसमानी मजहब है, इस्लाम के त्यौहार भी आसमान पर से मुकर्रर हुए। मुझे और आपको हक नहीं है, हमारे त्यौहार, हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब आसमानी है, हमारे त्यौहार भी आसमानी, फिर किसी को अंदर इजाफे करने की जरूरत नहीं है, और अगर कर भी दिया तो रद्दी टोकरी में जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इतना पावरफुल दीन है, यहां बनाई नहीं है हमारा दीन, तो हाँ अल्लाह ताला ने इंपोर्ट किया है ऊपर से, वहां से आया है। कैसी बात करते हैं, जमीन पर नहीं बनता कोई कानून, जमीन पर नहीं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, दुनिया के हालात देखे, तो कहा, मेरा जी चाहता है कि आपके घर की बहू बेटियां जब बाहर निकले तो इनको हुक्म दे दो कि पर्दा करके निकले। ये हजरत उमर ने मशवरा दिया कि इनको कहो कि बाहर निकले तो पर्दा करके निकले, क्योंकि जब पर्दा करेगी तो सब औरतों में अलग हो जाएगी, सब जानेंगे कि ये नबी के घर की खातून है, तो कोई शरारत नहीं करेगा। औबाश किस्म के लोग हो चुके हैं आजकल, वो औरतों की शरारत करते हैं, कहीं अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मुमिनीन अल्लाह के नबी की बेटियों की कोई शरारत न कर बैठे, इनको ज़रा कहो कि बाहर निकले तो पर्दा डाल। कहा, उमर तो दिल तो मेरा भी चाहता है, दिल तो मेरा भी चाहता है कि पर्दे का कानून हो, लेकिन उमर कानून मैं नहीं बनाता, कानून अल्लाह बनाते हैं, अर्श पर से हमारी यहाँ नाजिल हो तो हम कायदा बनाएंगे, अर्श पर से अल्लाह बनाकर भेजते हैं।
अल्लाह को हजरत उमर की राय और मशवरा बहुत पसंद आया। उमर उठकर अभी तो थोड़े दूर गए थे कि वही की हालत तारी हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही पूरी हो गई तो उमर को बुलाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उमर जो तू कहता था अल्लाह ने तेरी राय से इत्तेफाक किया। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, अपनी बेटियों से अपनी बीवियों से मुसलमान औरतों से कह दो जब बाहर निकलने की जरूरत पड़े तो अपने चेहरों पर चादर को तान लिया कर, चादर खींच लिया। हजरत उमर ने मशवरा दिया कि काबतुल्लाह शरीफ के करीब में जो मकाम इब्राहिम है, वो मकाम इब्राहिम अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम के बहुत एहसान है कि काबतुल्लाह शरीफ हमारे लिए बनाया, आपके लिए दुनिया में आने की दुआएं की कि अल्लाह काबतुल्लाह तो बना दिया, एक ऐसा उस्ताद भी भेज दे यहाँ पर जिसकी तालीम कयामत तक बाकी रहे। लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बहुत एहसानात हैं, जी चाहता है कि मकाम इब्राहिम पर दो रकात पढ़ने का हुक्म आ जाए। कहा उमर दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है लेकिन करें क्या, कानून तो ऊपर से बनकर आएगा तब ने, यही मशवरा दिया। आगे चले फिर बुलाया उमर लो तेरे मशवरे को अल्लाह ने कबूल कर लिया, वत्तखिदु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अर्ज करने का मंशा है कि इस्लाम इतना पाकीजा इतना बुलंद बाला मजहब है कि हमारा हर कानून ऊपर बनता है, हमारा हर त्यौहार ऊपर बनता है, हमें किसी को हक नहीं है। कई मरतबा कुफारे मक्का मुशरिकीन अरब आए, ये आयत निकाल दो वो आयत निकाल दो, यूं कर दो तू कर दो नबी ऐसा कर दो, अल्लाह के नबी से कहने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे कोई हक नहीं है, कोई पावर नहीं है कि मैं कोई आयत अंदर से हटा सकूं, ये तो सब अल्लाह रब्बुल इज्जत का मामला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हाँ तो कह रहे हैं अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम, कोई गड़बड़ है, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अलइस्लाम दीना। अल्लाह फरमाते हैं ये मैदान अरफात में नाज़िल हुई, इसीलिए बाद उलमा ने लिखा है कि कुरान की सबसे आखिरी आयत है, लेकिन सही बात है कि सबसे आखिरी बात नहीं है, इसके बाद दो तीन आयतें नाज़िल हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने से 81 दिन पहले नाज़िल हुई है, जिसमें कहा वो कान खोल कर सुनिए, कहा अल्यौम अकमलतु लकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अलइस्लाम दीना, ए लोगों आज हमने तुम्हारे लिए इस दीन को कामिल और मुकम्मल कर दिया, ये दीन ऐसा दीन है उंगली रखने का किसी को कोई मौका नहीं, कामिल है मुकम्मल है, कोई किसी किस्म की खोट नहीं, कैसे भी मिजाज का कैसी भी तबीयत का आदमी हो उसको हर तूफान और हर हालात में उंगली पकड़कर किनारे पर पहुंचाने की ताकत अगर किसी दीन में है तो वो दीन है इस्लाम में है, बुलंद है पाकीजा है, कोई सवाल ऐसा नहीं जिसका जवाब इस्लाम में ना हो, जिसका जवाब कुरान में ना हो, जिसका जवाब मेरे नबी की तालीमात में ना हो। कयामत तक जितने कैरेक्टर जितने अखलाक जितनी आदतों की जरूरत थी जितने इल्म की जरूरत थी सब के सब इस्लाम में मौजूद है, सब के सब अल्लाह के नबी की तबीयत में है। यार इसीलिए तो कहते हैं सारे नबियों को जोड़ो तो मोहम्मद नजर आते हैं और मोहम्मद को खोलो तो सहाबा नजर आते हैं।
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. سارے نبی الگ الگ جو خوبیاں رکھتے تھے اے میرے آقا تو وہ اکیلی ذات ہے کہ وہ سب کی خوبیاں تجھ اکیلے کے اندر موجود ہیں اور آقا سے پھر وہ خوبیاں تقسیم ہوئی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں. تو مذہب مذہب اسلام کامل اور مکمل ہے, اس کی تعلیم اس کے قاعدے قانون سب صحیح مضبوط, لیکن افسوس یہ کہ مسلمان ہی کو کبھی کبھی کھوٹ نظر آتی ہے, یار اسلام میں یہ غلط ہے, ارے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ بہت پابندی ہے. ارے بھائی کسی نے گوگلز پہن رکھا ہو اور وہ کہے کیا بات ہے آج بہت بادل کالے کالے آ گئے, کہا جائے گا حضرت پہلے گوگل سائٹ پہ رکھو پھر دیکھو تو آسمان کے اصلی رنگ کا پتہ چلے گا. کسی کو جونڈس ہو گیا ہو, پیلیا ہو گیا ہو, کملا ہو گیا ہو اور وہ کہے یار کیا بات ہے آج دنیا بہت پیلی پیلی ہو گئی ہے, کہا جائے گا حضرت بیمار ہیں آپ, ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ, دو تین انجیکشن لو, بوٹل چڑھاؤ, تب جا کے کملا دور ہوگا, جانڈس دور ہوگا تو اصلی رنگ کا پتہ چلے گا. ایسے ہی جن لوگوں کو اسلام میں کوئی رنگ اور نظر آتا ہے, کوئی کھوٹ نظر آتی ہے, کہا جائے گا تیرے بھیجے کے علاج کرنے کی ضرورت ہے, تیری تعلیم کا علاج کرنے کی ضرورت ہے, تو نے کھوٹی اور غلط راستے پہ تو گیا ہوا, تو اپنا علاج کروا, اپنی سوچ کر, ورنہ کوئی ایک موقع نہیں ہے. قرآن نے چیلنج کی ہے اور آج تک وہ چیلنج باقی ہے. لوگ کہتے تو رہے کہ قرآن میں کھوٹ, اسلام میں کھوٹ, فلاں میں کھوٹ, فلاں میں یہ, بولنے سے کیا ہوتا ہے, کوئی آلٹرنیٹ اور کوئی تبدیلی تو لاؤ کہ دیکھو اس میں یہ کھوٹ ہے تو میں نے اس کا یہ بدل لایا ہے, تیار کیا ہے, لائے تو سری کوئی, لیکن کوئی لا نہیں سکا اور قیامت تک کوئی لا بھی نہیں سکے گا. اتنا اسٹرونگ کامل مکمل اگر مذہب ہے تو وہ اسلام. قانون سخت لگتے ہیں تو یہ ہماری بے وقوفی اور پاگلپن ہے. ایک بلب بنانے والا, ایک ٹیوب لائٹ بنانے والا ادنا سا انسان جب اس پر لکھتا ہے کہ یہ 40 وولٹ کی ہے, یہ 50 وولٹ کی ہے, تو اس کے اندر اتنا ہی پاور رکھے گا, اس سے زیادہ نہیں رکھے گا. اس کو معلوم ہے کہ اس سے زیادہ پاور رکھوں گا تو اڑ جائے گا. لائٹ والے بھی وہ کہیں سے جہاں پاور مین بنتا ہے وہاں سے لیتے ہیں, وہاں سے کور کنٹرول کر کے آپ کی ڈی پی میں آتا ہے, ڈی پی میں سے آپ کے کھمبے پر آتا ہے, آپ کے کھمبے سے آپ کے پاس آتا ہے, اور وہ کنٹرول کر کے بھیجتے, کنٹرول کر کے. کبھی کبھی لائن میں خرابی آتی ہے, اچانک لائٹ بڑھتی ہے تو جتنے وولٹیج کا بلب ہے وہ اس کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. کمی زیادتی ہوئی تو یہ ہوتا ہے. اللہ کو بھی معلوم تھا کہ کیسی طبیعت کے بندے میں نے پیدا کیے ہیں. اللہ علیم ہے, اللہ خبیر ہے, اللہ بصیر ہے, پل پل کا ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے. ان کو معلوم ہے میرے بندوں کی کیپیسٹی کتنی ہے, میرے بندوں میں کتنی طاقت ہے. تو اللہ رب العزت اسی طاقت کے مطابق قرآن اور حدیث میں احکام نازل فرمائے ہیں اور مجھے اور آپ کو عمل کرنے کا حکم دیا. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اسی کو قرآن کہتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ, اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اللہ نے اس کو مکلف نہیں بنایا ہے, اس کو مکلف نہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. جتنی صلاحیت تھی اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو علم, اس کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے. یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ کمزور سمجھتے ہیں. خیر چلیے, جب اتنا کامل اور مکمل دین ہے
तो अब कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ्फा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे, आधे तीतर आधे बटेर, दही में भी हाथ दूध में भी हाथ, वो भी राजी ये भी राजी। नको बाबा ऐसा नहीं चलेगा, क्वालिटी चाहिए क्वालिटी, अल्लाह कहते हैं फिस्सिल्मी काफा, पूरे पूरे मुसलमान। ये नहीं कि मस्जिद में आए तो मुसलमान, दुकान पर चले जाए तो मुसलमानियत खत्म। कभी देखा होगा कि गैर मुस्लिम भी हमारी मस्जिदों के दरवाजे पर फूंक लगवाने आते हैं, आज भी ये सिलसिला जारी है। गैर मुस्लिम आते हैं मस्जिदों के दरवाजे पर, मदरसाओं के दरवाजे पर, तावीज़ के लिए, दम करवाने के लिए, पानी में फूंक लगवाने के लिए, आज भी ये सिलसिला जारी। अभी चार पांच दिन पहले मेरे पास मदरसा बेचारा गैर मुस्लिम आया, अभी भी सिलसिला है। लेकिन कभी वो लोग मेरे और आपके घर पर नहीं आते, इसी महल्ले में से आते होंगे, मस्जिद पर आते हैं, उसको मालूम है कि इनका घर यहाँ पर है, दुकान यहाँ पर है, वो कभी दुकान पर और घर पर नहीं आते, मस्जिद ही में आते। उसको भी मालूम है कि मस्जिद में मुसलमान रहेगा वहाँ जाके बदल जाता है, उसको भी मालूम है कि वहाँ जाके बदल जाता है, वहां कांटा भी मारता है, मीटर भी मारता है, झूठ भी बोलता है, वहां इसके पैसे देखकर हालात बदल जाते हैं, नजरें बदल जाती है। इसको पक्का मुसलमान देखना हो तो मस्जिद में देखो, अल्लाह करे कि ये खौफ, ये आजमत, ये पक्की मुसलमानी हमारी दुकानों में भी बाकी रहे। अगर हम ऐसे बन जाएं कि यही मुसलमानी हमारी वहां मस्जिदों में, घरों में, महल्ले में, चार रास्तों पर हमारी मुसलमानी ऐसी हो जाए जैसे हम मस्जिद में होते हैं, लोग हमें देखकर कलमा पढ़ने लगेंगे, लोग हमें देखकर कलमा पढ़ने लगेंगे, रास्ते में ठहरा कर आपसे फूंक लगवा लेंगे, रास्ते में खड़े रखकर आपसे फूंक लगवाएंगे। नमाज का वक्त हुआ, दौड़ कर नमाज के लिए चले गए, दुकानें बंद कर दी, कारोबार बंद कर दी, सड़ी हुई चीज देते हैं तो आप बतला देते हैं कि मेरा मजहब कहता है ये चीज गलत है, मैं आपको नहीं बेच सकता। ये नहीं कि पूरी का बनाकर दे दो जा, नोट बनावटी दे दी जा, नहीं नहीं नहीं, मुसलमान कभी ऐसा नहीं कर सकता। तेरे पास आ गई खोटी नोट, किसी ने दे दी, पता हो तो जाओ उसके पास, पता नहीं है तो ये मतलब नहीं है कि तू उसको पलट कर किसी और को दे दे, जायज़ नहीं, हराम। मुसलमान ये है मजहब इस्लाम, ये इस्लाम की तालीम, इसीलिए कहा उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ इस्लाम में, आधे सुधे नहीं चलेगा। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को किस मकसद के लिए पैदा किया, क्यों पैदा किया है? क्या दुनिया में चक्कर मारने भेजा कि मान दरवाजे पे जाके आ जाओ? क्यों भेजा अल्लाह ताला ने, क्या मकसद है? वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए हमें पैदा किया, यह मकसद है। अब हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कितने दर्जे का मुसलमान हूं, चुपचाप बैठ जाओ एक कोने में और ये आयत का तर्जमा सोच लो कि अल्लाह ने हमें जो पैदा किया है वो इबादत के लिए, और मैं कितनी टका इबादत करता हूं, सबको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, वैक्सीन की सर्टिफिकेट की तरह निकलना नहीं पड़ेगा लाइन के अंदर, सबको पता है कि मैं कितने पानी में हूं, मैंने क्या क्या किया है, सब पता चलता है। समझ में आ रही ने बात? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजीब निज़ाम है। देखो देखो दुनिया में आज मेरे और आपके साथ क्या हो रहा है, उम्मत मुसलिमा के साथ क्या हो रहा है, चारों तरफ से पीसा जा रहा है। आखिरकार ये सताने वाले, हमारा खून पानी से सस्ता करने वाले, हमारे कारोबार को उजाड़ने वाले, क्या मिल रहा है तुम लोगों को, क्या है आखिरकार, क्यों क्यों ऐसा कर?
वो कहे कि मिले कि न मिले, बस तुम्हारी तबाही देख कर तालियां बजाने को जी चाहता है। इसकी मिसाल समझ, ये बल्ब को क्यों बनाया, यह ट्यूबलाइट को क्यों बनाया, रोशनी देने के लिए ना। इसके पैदाइश और इसके बनाने का मकसद जो है वो रोशनी है। जब तक रोशनी देगा कहाँ रखेंगे ट्यूबलाइट और बल्ब को? नहीं, जिस दिन ये शॉर्ट हो जाएगा तो हजरत का अदब करेंगे कि नहीं रहो, बहुत सालों तक तुमने खिदमत की हमारी, हाँ कोई ऐसा करेगा नहीं जनाब, उतार के रख देंगे डब्बे में, फिर क्या होगा उसका, पता नहीं अब होता है कि नहीं, हमने तो किए हैं ये धंधे। वो कई शॉर्ट बल्ब और शॉर्ट ट्यूबलाइट को छोड़कर चला जाए तो देखते कोई देखता विकता तो नहीं है। अब उस शॉर्ट डंडे को ले लिया, ट्यूबलाइट के बल्ब को ले लिया और लेकर चले पूरे लश्कर और कौम के साथ, कूदते फांदते चिल्लाते तालियां बजाते शोर मचाते लेकर जा रहे हैं। एक अद बूढ़ा मिल भी गया, ओ बच्चों फूटेगी तो लग जाएगा, क्या करते हो तुम लोग, चलो जाओ बड़े मियाँ तुम अपना काम करो, तुम्हारे दिन गए, यही कह देते थे ना। उनकी नज़रें चुरा कर भागे, अच्छी दीवार कोई अच्छा पत्थर देखा। जब जा रहे थे बड़े मियाँ बोले तो बड़े मियाँ को अब लोग बोल रहे हैं, यार तुम्हारे में भी अकल है कि नहीं, अकल सठिया गई है, ऐसे शरारती बच्चों के मुंह लगते जो आपका अदब भी नहीं करते, पागल लोग हैं ये बच्चों को क्यों आप ये करते हो, चलो जाओ। अब बच्चे सब जगह से आज़ाद, अब मैदान में गए, वो शॉर्ट ट्यूबलाइट और शॉर्ट बल्ब को मारा दीवार पर, उसके परखचे उड़े और शोर किया तालियां बजाई। बुलाओ बच्चों को, पूछो बेटा ये करने से तुमको क्या मिला, ट्यूबलाइट फोड़ने से बल्ब को फोड़ने से तुम्हें क्या मिला? वो कहते हैं यार शॉर्ट था इसलिए फोड़ दिया, शॉर्ट था फोड़ दिया लेकिन तुमको कुछ मिला? कम मिले ही ना मिले, एक धमाका हुआ परखचे उड़ गए, हमने तालियां बजा ली, मजा आ गया। यही हम शॉर्ट हो गए दुनिया में, हम शॉर्ट हो गए, हमको क्यों भेजा था दुनिया के अंदर? कुन तुम खैर उम्मत इन उखरिजत लिन्नास, हम तो लोगों के नफा के लिए पैदा किए गए, लोगों को भली बातें बतलाते, लोगों को गुनाहों के काम से रोकने के लिए अल्लाह ने हमें नबी की उम्मत में पैदा किया, और हम कहाँ चले गए, हम कहाँ चले गए? हमने तो अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिदें अलग बना ली, हमने तो आपस में एक दूसरे को फतवे देना शुरू कर दिए, हमने तो एक दूसरे को काफिर बनाना शुरू कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, कहाँ जा रहे हम लोग? इसी झगड़ों में हम शॉर्ट हो गए, इसी में तो शॉर्ट हो गए, वहां नमाज नहीं पढ़ूंगा, यहां नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं करूंगा, अल्लाह अकबर, उम्मत का कितना बड़ा तबका इसी झगड़ों में नमाज से महरूम, उम्मत का कितना बड़ा तबका, ये माई बड़ा मकरूह तहरीमी होता है, वो गले वाला अच्छा होता है, या तो स्टैन वाला रखा करो, ये मत रखा करो, ये तो सर पकड़ लिया है, मुझे तो बिल्कुल कीड़े इस माइक से मुंह में आ जाता है, भूख लगेगी तो खा भी लेंगे। हाँ, इसी झगड़ों में हम नमाज से दूर हो गए, मस्जिदों से दूर हो गए, एक दूसरे को गालियां, एक दूसरे पर इल्जाम, क्या हो रहा हमारा, हम कहाँ जा रहे? जब दुनिया की कौमें हमारे साथ बुरा सुलूक करती है तो ये नहीं कहती ये फला फिरके का, ये फला मसला, हम अपनी ताकत को, हम अपनी कुव्वत को, हम अपनी यूनिटी को ऐसी चीज़ों से तोड़ते जा रहे हैं। मुसलमानों हम शॉर्ट हो गए, शॉर्ट हो गए, हम दुनिया की रोशनी के लिए पैदा किए गए थे, हम खुद अंधेरे के दलदल में चले गए, इसीलिए शॉर्ट बल्ब को फोड़ा जाता है, हमें भी फोड़ा इसीलिए जा रहा। पूछो उनको कि क्या मिल रहा है तुमको, मुसलमानों को ख़त्म करके मुसलमानों को मिटा के क्या मिलेगा, कुछ नहीं। लेकिन कसूर हमारा है कि जो इस्लामी कैरेक्टर थे, इस्लामी अखलाक थे, इस्लामी अकीदे थे, जो मामलात था, जो रहन सहन था, वो सब गुल हो गया, ख़त्म हो गया। कुरान ने ऐलान किया वमन यबतगी गैर अल इस्लाम दीनन फलन युक्बल मिन,
सुन लो, अगर इस्लाम के अलावा कोई और रास्ता और तरीका लेकर आए हरगिज भी कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में तुम नुकसान उठा बैठोगे यानी जहन्नम में जाओ। पूरी आयत जितनी भी पढ़ी, कितनी बात हुई, उस सब का खुलासा ये, हम बहुत नसीबदार है कि अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत दी है जो इतना अच्छा मजहब है। कयामत के दिन इसी का सिक्का चलेगा, इसी के सिक्के पर कामयाबी। अगर इस्लाम की बातों को और फैलाऊं और खोलूं, मैंने तो इरादा करके बैठा था कि पौन घंटा बहुत हो जाएगा, पता नहीं इमाम साहब ने कुछ दम किया है पढ़कर ऐसा कि बात चल पड़ी, जल्दी से ख़त्म करो। वैसे मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ है कि बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करूं मैं, क्योंकि तकरीर के बाद कहेंगे माशाल्लाह तकरीर बहुत अच्छी हुई, क्या कहा, कहा वो तो खबर नहीं क्या कहा, बहुत बोल के गए। ये मिजाज है हमारा। चलिए चलिए चलिए, इस्लाम पांच चीज़ों का नाम, पांच चीज़ों का नाम है, पांच को याद कर लीजिए। नंबर एक, अपने अकीदे को सही करना, सब कुछ अल्लाह ही करते हैं, अल्लाह के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह जो करते हैं उसमें भलाई ही होती है, कभी नुकसान नहीं होता। एक बादशाह और वजीर दोनों जा रहे थे, वजीर दुबला पतला और बादशाह मुस्तरंडा, इतने में लग गया बादशाह को अंगूठे में। बादशाह ने कहा वजीर यार देखो अंगूठा कट गया। कहा चलो अल्लाह की इसमें भी कोई हिकमत होगी, चलो इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी। कहा कमबख्त मेरा अंगूठा कटा और तो मुझे हिकमत दिखाता है, चल निकल यहाँ से, भाग यहाँ से, मेरे साथ नहीं रह सकता तू, अंगूठा कटने पर अल्लाह की हिकमत बताता है, तसल्ली देता मुझे, इलाज करता। आगे बादशाह जा रहा था तो बादशाह का एक ऐसी कौम पर से गुजरवा जो आदमखोर थी, इंसानों को काट कर खा जाने वाला। अब बादशाह तो मुस्टंडा था, खाया पिया हुआ बकरा था, पकड़ लिया कि ये आज बहुत दिन के बाद ऐसा तैयार आया हुआ, पकड़ो इसको काटो। अब जो काटना शुरू किया अंगूठे पर नजर पड़ गई, कहा छोड़ दो हमारे कानून के खिलाफ है, जख्मी है ये तो, जख्मी है छोड़ दो इसको। बादशाह कहता समझ में आ गया कि अल्लाह की हिकमत थी, अंगूठा कटवा के गला कटने से बचवा लिया। बादशाह ने वजीर को बुलाया कि मुझे तो अल्लाह की हिकमत समझ में आ गई, लेकिन तुझे जब मैंने निकाला था तो तूने भी कहा था कि इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी। कहा क्या? कहा अगर तुम मुझे निकालते नहीं, हम दोनों साथ जाते, तुम बच जाते तो मैं तो आ जाता काम में। अल्लाह की हिकमत ये थी कि मुझे भी बचाना था, इसलिए ये बुलवा दिया और मुझे निकाल दिया और तुम्हारा अंगूठा कटवा कर तुमको बचा दिया। ये है अल्लाह, ये करते हैं अल्लाह, क्या करता है ये करते, ये ताकत वाले हैं। कितने फैसलों को हम गलत समझते हैं लेकिन अंजाम के एतबार से वो खैर भरे रहते हैं, वो ताकत वाले, वो कुव्वत वाले हैं अल्लाह। अल्लाह पर, अल्लाह की ज़ात पर एतमाद, सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह ही देने वाले हैं, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं दे सकता। अकीदों की इस्लाह, ईमान बनाना है। नंबर दो, अपनी इबादत को सही करना, इबादत को सही करना है, इबादत को सीखना है, करना है, इबादत पर जान दे देना है, अपने अपने आमाल को सही बनाना है, इबादत में मजबूत और पूरे उतरना। तीसरा, मामलात, लेन देन, खरीदो फरोख, दुकान चलाना, कारोबार इस्लामी तरीके पर हो, हमारा जो बताया है उस तरीके पर, मुआशरत, जिंदगी गुजारना, बीवी के साथ कैसे रहना, भाई के साथ कैसे रहना। ये बात निकली तो चलो, कहता है चलो बहुत मुख्तसर से, मुझे झगड़ा है कि मेरे भाई मेरे साथ अच्छा नहीं रखते, शायद सबका अंदर यही शिकवा है, मैं तो बहुत जोड़ता हूँ लेकिन क्या करूँ, भाई बराबर नहीं, अम्मी बराबर नहीं, अब्बा बराबर नहीं, सब खराब, तू ही अच्छा है क्या, तू ही नवाई का नूर मोहम्मद है,
सब खराब तू ही अच्छे? नहीं, सब अच्छे हैं, मैं खराब हूं, सब मेरा हक अदा नहीं करते। नहीं करते उनको कब्र में जवाब देना पड़ेगा, तूने कितने अदा, मैंने कितने अदा किए। मुझे ये सोचना है मैं सबके हक अदा करूं और मेरा कोई ना करे तो मैं उसको माफ कर दूं। ये जज्बा होगा तो दुनिया से झगड़े खत्म हो जाएंगे। इस उन्वान पर कभी और मर्तबा बतला देंगे। मुआशरत, पड़ोसी के लिए हम कैसे, महल्ले वालों के लिए कैसे, और आखिरी जो चीज है वो अखलाक। अखलाक हमारे नबी ने तलवार से इस्लाम नहीं फैलाया है, अखलाक से फैलाया है। चेहरे अनवर को देखकर लोग कलमा पढ़ लेते थे, आपकी आदतों को देखकर, आपके अखलाक को देखकर, आपकी सादगी को देखकर कलमा पढ़ लेते थे। तो हम भी मुसलमान हैं, हमें इन चीज़ों पर अमल करना होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे मौलाना ने तो ऐलान किया था कि मुहर्रमुल हराम के उन्वान पर बात करेंगे और आप कहेंगे मौलाना की बात नहीं मानी, दूसरे दूसरी चालू कर दी। मैं कहूँगा मुहर्रम का पैगाम यही है। हुसैन ने इस्लाम ही के लिए तो जान दे दी, हज़रत उमर की भी इसी महीने में शहादत हुई, पहली तारीख को, वो भी इसी के लिए थी। इससे पहले वाला महीना कुर्बानी का, ये भी कुर्बानी का, हमें उसमें कुर्बानी पेश करने के लिए कहा। इस महीने में हमारा अल्लाह हमारी कुर्बानी मांग रहा है, आमाल इबादत वगैरह के एतबार से। यही मुहर्रमुल हराम का पैगाम है। अल्लाह सब बातों पर मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا الله گناہوں کو معاف فرما بہت بڑے گنہگار ہیں ہم ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما گناہوں سے نفرت نصیب فرما گناہوں سے حفاظت فرما نیکیوں سے محبت نصیب فرما نیکیوں کا ذوق شوق نصیب فرما ہمیں پکے سچے مسلمان بنا دیں اے اللہ ہمیں قرآن کا عاشق بنا ہمیں اپنے نبی کا عاشق بنا اے اللہ دنیا والوں کے لیے ہم اچھے مسلمان ثابت ہوں ایسے مسلمان بنا دیں اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اپنی ذات سے ہمیں بھی راضی کر لیجئے اے اللہ آپ کا خوف آپ کی عظمت آپ کا تعلق آپ کی محبت ہمیں نصیب فرما دیجئے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائیے یہ جتنے بیانات ہو رہے اس کو قبول فرما لیجئے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر ہم کو ہدایت نصیب فرما دیجئے ہماری دعاؤں کو رد نہ کیجئے قبول فرما لیجئے جتنے علماء نے جو جو دعائیں کی سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما آنے والے جتنے دعائیں کریں گے ان کی دعاؤں میں بھی ہمارا حصہ نصیب فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر مانگی سب عطا فرما جتنی چیزوں سے پناہ مانگی اسے میں پناہ نصیب فرما جزا اللہ عنا نبینا محمد ما هو اہلو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین